देखें, आपको दिखा दें आंकड़े क्या थे हमारे गेंदबाजों के, और बुमराह भाई फॉर्म में माने जाते हैं, वो बॉलर और हैं भी क्यों, 3 विकेटें ली उन्होंने 61 रन देकर, पर 50 रन देकर जब चेज 350 के ऊपर की हो, आप 50 रन दें, मतलब रनर बॉल से कम पे जाएं आप और 3 विकेट भी लें, और ये थोड़ा एंड का ही है जो थोड़े रन, मतलब 7 ओवर में 30 थे वो। वैसे वो गेम देखिए चेंज हुआ है, जब 2 विकेट लिए उन्होंने एक ही ओवर में स्टीवन स्मिथ और स्टॉइनिस के, उसके बाद गेम हाथ से निकल गया था ऑस्ट्रेलिया से। तो भुवनेश्वर कुमार के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, सब बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि शामी को खेलना चाहिए था या शामी को खेलना लगभग तय था, तो भूमी के ऊपर कहीं ना कहीं काफ़ी दबाव भी था। तो आज उन्होंने जो ये विकेट लिए और अच्छी गेंदबाजी करी, तो ये भारत के लिए अच्छे संकेत। और कैफ अगर आप देखें, उनके जो मेन दो पेसर थे आगे जो डालते हैं, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, और भारत के थे भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह, ये दोनों जोड़ियों का अंतर बहुत देखने को मिला आज। नहीं, आप देखिए कितनी जो वेरिएशंस की बात करते हैं, भुवनेश की बात करें, बुमराह की बात करें, बुमराह ने बाद में आके स्लोअर डाला, यॉर्कर डाला, उनके गेंदबाज क्या कर रहे थे, उनका प्लानिंग पता नहीं था, नया बॉल से भी कभी अपना क्रॉस सीम डाला, बाउंसर डाला, लाइन लेंथ का उनका अंदाज़ा हुआ नहीं। भुवनेश कुमार और बुमराह का बेस्ट एग्जाम्पल है कि कब कौन सी बॉल डालनी है, तरकश में तो बहुत तीर है आपके पास, लेकिन वो तीर कब निकालना है, सिचुएशन क्या है, हालात क्या है, परिस्थिति देख के बल्लेबाज सेट है नहीं है। अगर आप जो स्मिथ का विकेट देखें जो LBW किया, वो हल्का सा बस ऐसे कर दिए, ये जो कैरम बॉल तरह, और लेकिन लेंथ देखिए, वो बॉल स्टंप पे लगी, वो LBW हुए, बोल्ड हुए, जो भी हुए वापस, लेकिन वो एरिया देखिए आप कहाँ बॉल गिराना है, एक ओवर में 2 विकेट निकाला। तो जो सटीकता है, जो लाइन लेंथ की बात करते हैं, वो बुमराह और भुवी लेके आते हैं, इतना साथ में खेलें, और जहां आपने 10 रन का रन रेट बाद में चला गया 10-11 का, तो वो T20 में स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं, तो वो इनका गेम वहां से अगर शुरू मार दिया बाद में फिनिश करके किया, बुमराह को मार दो कि एक ओवर में 15 रन, वो नहीं होगा, या भुवनेश को मार दो, भुवनेश तब भी आजकल थोड़ा हालात थोड़े से खराब उनके, बट ओवरऑल मिलजुल के एक पार्टनरशिप में गेंदबाजी करते हैं, और इनको बड़ा अंदाजा है कैसे किस मुकाम पे किस वक्त पे कौन सी बॉल डाली। अगर आप जसप्रीत बुमराह को देखें कि जब भी वो धीरे गेंद डालते कैफ, जब भी स्लोअर वन डाली है, बड़ा रेयर आप देखेंगे कि उनकी जो स्लोअर वन है ना स्लॉट में होगी आगे गिरे। कुल्टन आयल उनको उन्होंने एक भी तेज गेंद नहीं डाली, उन्होंने स्लोअर वन डाली और उन्होंने एक भी पिक नहीं करी और आखिर में आउट होके गए, कि स्लोअर वन भी बहुत दूर डालते हैं। स्लोअर वन की जो लेंथ है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेंथ तो देखिए आप कोई भी गेंद डालें, जब भी आप बात करते हैं जैसे बाउंसर है, बाउंसर का मतलब ये नहीं कि आए और जस्ट डाल दी छोटी गेंद, बाउंसर की जो है दिशा अच्छी होनी चाहिए गति से ज्यादा, कि अगर आप 150 भी यहाँ डालेंगे तो आजकल लोगों को आपने देखा ऐसे कर देते हैं, चलो जी छक्का जी, इधर आती है तो इधर से पुल करना आसान नहीं है। रोहित शर्मा एक खिलाड़ी है जो बड़ा अच्छा पुल करते हैं, MS धोनी करते हैं, पर हर किसी के आसान नहीं है, हर किसी के लिए। डेविड वार्नर की बात करते हैं, बड़ा अच्छा पुल मारते हैं, पर हार्दिक पांड्या का उतनी गति नहीं है, फिर भी आज 2-3 बार छकाया, क्यों, क्योंकि गेंद ना शरीर की बड़ी अंदर थी। तो गेंद आप कौन सी कब डालनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, को किस बल्लेबाज को कब डालनी है, किस नंबर ऑफ ओवर में डालनी है, स्लोअर वन की लेंथ क्या होनी चाहिए, या इस विकेट पे मेरी जो नॉर्मल तेज बॉल है लेंथ है उसकी क्या लेंथ होनी चाहिए, वो सब बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज के लिए। और खासतौर पर जब बात करते हैं बड़े इवेंट की, वर्ल्ड कप, दबाव, और बुमराह और भुवनेश्वर कुमार दोनों की जो अच्छी चीज़ है ना कि दबाव लेना बड़ा अच्छा आता है उनकी। अगर पहली 2 गेंद पे अगर आप 12 रन भी मार देंगे ना तो उनके पास प्लान होता है, बुखलाते नहीं है, अपने आप को बैक करते हैं कि 2 ओवर में बॉल में 12 रन चलेंगे, पर अब भी ओवर 14 का कैसे खत्म करना, गोइंग फॉरवर्ड ये चीज़ भारत को काफ़ी मदद करेगी।